दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा है जवाब। ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है। हालांकि समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। अपने इस जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ये बात लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है, यानी कि अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख उन्हें दे दे, वो पेश होंगे। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की बात भी कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार ईडी के सवालों के जवाब देने की बात कही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया था। ईडी ने 8वां समन केजरीवाल को भेजा है और 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस 8वें समन का अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और कहा कि वो सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन 12 मार्च के बाद वो किसी भी दिन जो है कि पेश होंगे। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने साफ तौर पर शर्त रखी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो पेश हो सकते हैं, यानी कि ईडी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि लगातार ईडी ने कई समन भेजे और लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से इस समन को गैर कानूनी बताया गया, राजनीति से प्रेरित बताया गया। और ईडी ने 8वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है और पूछताछ के लिए 4 मार्च की तारीख सुनिश्चित की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा है और कहा है कि वो 12 मार्च के बाद किसी भी दिन पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार है। और साफ तौर पर ये भी कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो पेश हो सकते हैं और ईडी के सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। ईडी ने 8वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है और 4 मार्च को इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों का जवाब दिया है, लेकिन क्या लगता है कि ईडी की तरफ से इसका कोई रिप्लाई आएगा? क्या ईडी 4 तारीख के बाद की कोई तारीख निश्चित करेगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही है और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी पहुंचा हुआ था और कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी। इसके बाद एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया था। ये 8वां समन था अरविंद केजरीवाल के लिए और ईडी के समक्ष पेश होकर अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग करना था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ओर से आज बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। हालांकि वो ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं होते हैं अभी भी अरविंद केजरीवाल को ये तय करना है। इसके साथ ही ईडी का क्या कुछ रुख रहने वाला है अगर वो आने वाले दिनों में ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि ईडी का ये जो समन है वो गैर कानूनी है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से जांच से नहीं भागूंगा। बिल्कुल सर, एक बात ये भी बताइए कि पीयूष, अभी तक अरविंद केजरीवाल इस समन को गैर कानूनी बताते रहे, उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। हालांकि आज के जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस बार उन्होंने पेश होने की बात कही है, इसके पीछे का बड़ा कारण? और देखिए, चूंकि हमने पहले ही बताया कि ये मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट लगातार जब भी इस तरीके की सुनवाई होती है तो कोर्ट कहता है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी मामले की जांच कर रही है और उस पर आरोप है उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इन्हीं सब मामलों को संज्ञान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया होगा कि ईडी के सवालों के जवाब वो देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आमतौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा गया केजरीवाल को किसी भी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं कि नहीं होते। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।